वगतु सहनौ भुनक्तु सहवेद्रं करवाहै ॐ व्रतान व्रतपति व्रतं चरिषमि तच्छकियं तन्मेरा ॑ इदमहमन्त्सत्यमुपैमि ओ शान्तिः वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का बयासीवा अंतिम सर्ग पढ़ रहे हैं हम अठारह श्लोक पढ़ चुके हैं इस सर्ग के और इसमें श्री राम अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचे हैं और वहाँ पर अत्रि ऋषि श्री राम को कुछ उपदेश कर रहे हैं और उनकी पत्नी माता अनुसुया वो सीता माता को कुछ पतिव्रता धर्म के लिए उपदेश करती हैं और सीता माता के वन गमन की प्रशंसा भी करती हैं श्री राम का अनुगमन करने के लिए और सीता माता इसके प्रत्युत्तर में बताती हैं कि ये उपदेश उनको विवाह के समय उनके माता जी ने भी दिया था और वन में आते समय माता कौसल्या ने भी यही उपदेश दिया था उनको और उन्होंने उसको सुन करके हृदय में धारण किया हुआ है उस धर्म को तो जो धर्म हमारे हृदय में धारण किया हुआ है वो ही हमारी रक्षा करता है केवल शब्दों में जो धर्म है वो रक्षा नहीं कर पाता है हम उचित अनुचित को जानते हुए भी ठीक समय पर अनुचित कर देते हैं उचित कर नहीं पाते हैं तो समझ लो कि फिर हमने उस धर्म को अभी हृदय में धारण नहीं किया शब्दों में तो पता होता है व्यक्ति को कि मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं और कभी तो व्यक्ति कहता है कि जी दूसरे ने बाधित कर दिया तो मैं क्या करूं तो देखो ये संसार तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो हमें बाधित ना करें कोई ना कोई मिलता ही रहेगा तो बहुत ही ज्यादा व्यक्ति को सजग हो करके चलने की जरूरत होती है नहीं तो निमित्त तो आते रहेंगे कदम कदम के ऊपर और हम अपने धर्म से विमुख होते रहेंगे फिर और उसमें फिर नुकसान हमारा होता है दूसरे का नहीं होता है तो इसलिए यहां पर सीता माता कहती है मैंने धर्म के उपदेश को सुना और सुन करके मैंने उसको हृदय में धारण किया हुआ है नीचे कहा इन्होने वाक्यम तदपि मैं धृतम उन वाक्यों को मैंने धारण किया हुआ है और धारण किया हुआ धर्म थोड़ा सा भी बहुत बड़ी रक्षा करता है और न धारण किया हुआ धर्म अनेक अनेक शब्दों के ज्ञाता होने पर भी रक्षा नहीं हो पाती है तो कभी कभी बड़े से बड़े विद्वान भी चूक जाते हैं दिव्यता को प्राप्त करने में क्योंकि उनका सारा धर्म शब्दों में होता है मस्तिष्क में होता है हृदय में नहीं होता है और कभी कभी सामान्य सेवा करने वाले भी बाजी मार जाते हैं धर्म के विषय में क्योंकि उनको ज्यादा पढ़ने को बेशक नहीं मिला लेकिन थोड़ा बहुत भी कहीं परंपरा से सुना उन्होंने या अंत प्रेरणा से उनको अच्छा लगा थोड़ा सा भी कहीं उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया उसको तो वो भी महान रक्षा करने वाला हो जाता है तो ये प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है यद्यपि ये, ये माता सीता के लिए या सब माताओं के लिए कहा गया है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये सबके लिए कहा गया है माताओं के लिए भी पिताओं के लिए भी भाइयों के लिए भी बहनों के लिए भी मूल बात यहाँ पर ये है कि किसी एक आलंबन को अपने जीवन में व्यक्ति को जरूर सामने रखना चाहिए आदर्श को तो वो अपने माता पिता हो सकते हैं जैसे श्री राम ने अपने पिता को रखा हुआ है और धर्म को रखा हुआ है दो आलंबन है इनकी और उसके बाद दो आलंबन के बाद बाकी जो भी हैं वो फिर सारे श्रेष्ठ ही रिश्ते हैं सारे हम रोज गाते हैं ना कि वो श्रेष्ठ पिता भी हैं पति भी हैं भाई भी हैं मित्र भी हैं सबसे सारे नाते निभाते हैं तो एक नाता यदि ठीक से निभाना आ गया व्यक्ति को तो सारे भी ठीक से निभ जाएंगे और यदि एक भी ठीक से निभाना नहीं आता है तो सारे नहीं निभा सकता है व्यक्ति तो कम से कम एक के प्रति इतनी श्रद्धा होनी चाहिए अपने गुरु के प्रति माता पिता के प्रति पति पत्नी के प्रति किसी ग्रंथ के प्रति कहीं एक जगह तो अटूट श्रद्धा होनी ही चाहिए अनन्य श्रद्धा होनी ही चाहिए और एक जगह यदि उसको साध लिया उसको सिद्ध कर लिया हमने तो फिर सब जगह वो अन्वित होती है फिर सब जगह व्यक्ति को ध्यान रहेगा अपने धर्म का एक जगह यदि साध लिया तो एक ही साधे सब सदे एक को साध लेने से सब सध जाता है और सब साधे सब जाए यदि व्यक्ति यू सोचे कि कोई बात नहीं आ, थोड़ा सा त्रुटि भी होगी तो चलेगा ना तो फिर वो सब को साधने के चक्कर में सब ही चला जाता है इसलिए श्रद्धे स्वामी जी महाराज ने पहले योग को साधा तो एक योग के साधने से सब सद गया हनुमान जी ने अपने जीवन में श्री राम की सेवा को साधा कि श्री राम की सेवा मेरे लिए सर्वोपरि सब कुछ सद गया कलयुग के अंत तक भी लोग बोलते हैं कि हनुमान जी अभी भी सूक्ष्म शरीर में जीवित हैं श्री राम ने उनको कहा था कि आप कलयुग में भी लोगों की रक्षा करना ऐसा मानते हैं तो अमर हो गए एक ही चीज से तो ऐसे एक एक महापुरुष ने किसी एक चीज को साधा महाराजा हरिश्चंद्र ने सत्य को साधा केवल महात्मा गांधी ने यद्यपि उसमें त्रुटियां भी रही लेकिन जितना भी साधने की कोशिश की तो उससे कम से कम उनको राष्ट्रपिता का दर्जा तो मिली गया एक इतना बड़ा गौरव सम्मान तो मिली गया तो ऐसे हमारे संतों ने ऋषियों ने अहिंसा परमो धर्म ऐसे कह करके केवल एक अहिंसा को साधा कहीं ने सत्य किसी ने केवल ब्रह्मचर्य को विष्णु पिता केवल एक ब्रह्मचर्य को तो फिर सारी ही चीजें सद जाती हैं तो यहाँ सीता माता का एक ही धर्म है पतिव्रता धर्म कि पति की आज्ञा पति का आदेश पति का प्रियाचरण वो मेरे लिए सर्वोपरि है उनका अनुगमन करना वो सर्वोपरि है तो फिर सारे रिश्ते भी वो अच्छे से निभाई लेती हैं तो ये हम सबके लिए ही बहुत सुंदर उपदेश है तो पीछे के पाठ से कोई प्रश्न है किसी का कुछ पूछना है जी।, जी प्रणाम जी। जी, जैसे द, पढ़, जान तो कई लेख पढ़ते में ये कि मतलब हमारा धर्म है वो हिंदू धर्म सनातन धर्म ऐसे तो कई विद्वान इसके ऊपर डिबेट करने लग जाते हैं बताते हैं तो मतलब एक विवाद बन जाता है कि हमारा धर्म वास्तव में है क्या तो उसके ऊपर थोड़ा नहीं ये तो धर्म है ही नहीं ना हिंदू धर्म सिख धर्म बौद्ध धर्म इनको तो पंथ तो एक ही है लेकिन पंथ, पंथ की, कहा ना इनको आ, तो विवाद इसलिए बन जाता है कि एक जो मनुष्यों का ग्रुप है उनका कोई एक आदर्श व्यक्ति है वो कहते हैं उन्होंने जो कहा उसको हम फॉलो करेंगे यहां तक बिल्कुल ठीक है पर हम जिसको फॉलो कर रहे हैं केवल वही सत्य है बाकी सब झूठ है ये उचित नहीं है क्योंकि जितने भी पंथ हैं संप्रदाय आदि हैं वो किसी एक आदर्श पुरुष की शिक्षाओं को लेकर के उसको सेंटर में रख करके और फिर उन्होंने बना रखा है अपना कि भाई हमारी दिनचर्या हमारा लाइफस्टाइल, हमारा आचरण ऐसा रहेगा तो वहाँ तक तो ठीक है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है पर अगर उसको हम यही ठीक है दूसरे सब गलत हैं तो फिर विवाद हो जाता है युद्ध घंटों में जो युद्ध के नाम पड़े हैं उसमें एक नाम मम सत्यम भी है ना युद्ध के बहुत सारे नाम हैं ग्रुप है उसमें एक मम सत्यम मम सत्यम का मतलब है मैं ही ठीक हूं तो यहां से फिर युद्ध शुरू हो जाता है व्यक्ति अपनी ही बात को ठीक मानता है केवल और बाकी सबको गलत मानता है और कभी कभी तो हम जिसको गलत मानते हैं उससे हम पूछते भी नहीं हैं एक तरफा धारणा बना लेते हैं किसी ने कहा कि वो व्यक्ति गलत है और हमने मान लिया वो गलत है तो भाई आप जिस कार्य को लेकर के उस व्यक्ति को गलत मान रहे हो तो एक बार उससे पूछ तो लो कि आपके बारे में ऐसे हमारे पास शिकायत आई है तो अब आप बताओ आपने ऐसे क्यों किया तो वो व्यक्ति भी तो अपना हेतु देगा ना तो हो सकता है वो व्यक्ति अपनी जगह बिल्कुल ठीक ही हो और होता ही है ये तो हो सकता है कि भाई उसका ज्ञान ठीक ठीक ना हो पर अपने ज्ञान के अनुसार तो वो ठीक ही है तो हम यदि उसके ज्ञान को ठीक करें आप जैसा सोच रहे हो ये उचित नहीं है ये तो हम कर सकते हैं किसी को बता सकते हैं हम पर किसी व्यक्ति को हम सीधा ये टैग लगा दिया कि ये व्यक्ति बिल्कुल गलत है ऐसा होता नहीं है वहां से युद्ध शुरू होता है फिर क्योंकि वो व्यक्ति भी फिर अड़ जाते वो कहते मैं तो ठीक हूं बिल्कुल मेरे को गलत कहने वाला गलत है तो अब दोनों दोनों को गलत मान रहे हैं तो अब ये युद्ध कैसे टले तो होना तो ये चाहिए कि हम उससे भी पूछें दूसरे व्यक्ति से भी मम सत्यम नहीं रखें मैं सत्य हूं लेकिन दूसरा भी सत्य हो सकता है अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग महापुरुष माता जी बताते हैं महापुरुष तो झगड़ा नहीं करते हैं किसी भी महापुरुष ने झगड़ा नहीं किया महापुरुषों के जो फॉलोअर्स हैं ना वो झगड़ा करते हैं महापुरुष नहीं करते उन्होंने तो सत्य को पाया है तभी तो महापुरुष कहला ही वो तो उनको जो पीछे उन का मन करने वाले होते हैं वो झगड़ा कर लेते हैं महाराज जी किसी से झगड़ा नहीं करते महाराज जी के शिष्य जो हैं, <laughs> हम्म, और बोलो। उसमें ये कारण जो बनता है माता जी मतलब झगड़े का उसमें ये रहता है कि हमारे मतलब आदर्शों को इन्होंने अपमानित किया इनके बारे में कुछ बुरा बुला कहा तो वो अपने जो महापुरुष होते हैं वो तो उस चीज को सहन कर लेते हैं पता नहीं कैसे लेकिन हमारे मन में ये आता है महापुरुषों को कौन अपमानित कर सकता है कोई भी अपमानित नहीं कर सकता है अपमानित करने वाला खुद अपने को अपमानित करता है महर्षि दयानंद का किसी ने वो बना रखा था पुतला और उसको पूरे शहर में घुमाया उसके मुंह पे कालिख लगा रखी थी और उसके गले में जूते चप्पल की माला पहना रखी थी किसी व्यक्ति को बना दिया मुखोटा लगा के महर्षि दयानंद और उसको गधे पे बिठा के पूरे गांव में घुमा दिया और फिर कोई मह दयानंद के शिष्य थे तो वो तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई तो वो रोते हुए महर्षि ऋषि दयानंद के पास ही गई कि ये तो हद हो गई मतलब इतना अपमान तो वो बोले कि मैं तो यहां बैठा हूं मेरा कहां अपमान हो रहा है बोले नहीं आप तो यहाँ बैठे हो आप जाके देखो एक बार नगर में क्या हो रहा है तो उन्होंने कहा भाई वो नकली दयानंद होगा नकली दयानंदों का तो यही हाल होगा असली वाला तो यहाँ बैठा है तो उनको तो ऐसे नहीं लगा क्योंकि कोई व्यक्ति जो कुछ किसी के बारे में बोलता है ना तो वो केवल दूसरे के बारे में ही नहीं बोलता वो अपने चरित्र के बारे में भी बोलता है वो ये भी बता रहा है कि संसार को देखने की मेरी दृष्टि ऐसी है वो अपना भी तो परिचय दे रहा है कोई व्यक्ति किसी की प्रशंसा करता है तो वो केवल उस व्यक्ति की प्रशंसा नहीं कर रहा वो अपनी दृष्टि की भी प्रशंसा कर रहा है कि लोगों को देखने का मेरा नजरिया ऐसा है मुझे वो अच्छे लगते अच्छे लगते हैं इसका मतलब हो सकता है वो व्यक्ति अच्छा ही हो और ये भी हो सकता है कि वो उतना अच्छा ना हो पर इस व्यक्ति की दृष्टि इतनी अच्छी है जैसे महाराज जी किसी में इतना छोटा सा गुण होता है तो कितनी प्रशंसा करते हैं तो वो व्यक्ति उतना ज्यादा प्रशंसनीय होता नहीं है पर ये महाराज जी की अपनी दृष्टि है तो वो अपना परिचय दे रहे हैं इस सामान्य व्यक्तियों को भी देखने की मेरी दृष्टि कैसी है मैं तो उनको एक दिव्यता में ही देखता हूं दिव्य आत्मा के रूप में ही देखता हूं तो हम अपना परिचय भी देते हैं साथ में जब हम किसी दूसरे के बारे में टिप्पणी करते हैं तो आप सावधान रहना जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी की निंदा कर रहा होता है ना तो वो केवल उस व्यक्ति का परिचय नहीं दे रहा होता है वो अपना भी परिचय दे रहा होता है ये मेरी दृष्टि कैसी है लोगों को देखने की तो यह संसार तो ऐसा ही है तो अपनी दृष्टि को ठीक करना होता है हमें संसार को ठीक नहीं कर सकते हैं हमारी दृष्टि यदि ठीक हुई तो संसार ठीक ही नजर आएगा फिर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि सृष्टि वैसी है ये सारी सृष्टि सबके लिए एक जैसी नहीं है अलग अलग है तो लोग बोलते हैं भी किसी को कीचड़ में भी कमल दिखाई देता है कीचड़ दिखाई नहीं देता है और किसी को चंद्रमा में भी दाग दिखाई देता है बोले काला दाग है उसको चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तो दृष्टि का तो अंतर है तो किसी को तो कहीं बुराई में भी अच्छा ही नजर आ जाती है कि देखो कुछ भी कोई इस व्यक्ति के बारे में कही पर इसका ये गुण बहुत अच्छा है उसकी दृष्टि गुण के ऊपर है और किसी व्यक्ति की बुल लोग इसकी प्रशंसा करते हैं इसके अंदर तो ये है वो दोष देख लेते तो वो अपनी अपनी दृष्टि है तो हमें अपनी दृष्टि ठीक करनी चाहिए पहले क्योंकि कुछ त्रुटियां कुछ दोष सबके अंदर होते हैं हमारे अंदर भी है जो व्यक्ति किसी दूसरे का दोष देख रहा है क्या उसके अंदर एक भी दोष नहीं है क्या ऐसा कोई व्यक्ति कह सकता है कि मेरे अंदर कोई भी दोष नहीं है और जब हमारे अंदर भी दोष है तो दूसरे में भी हो सकता है सहज सी बात है ना लेकिन हमें अपने को दूर करने के लिए दोष को दूर करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए ये इंसान होने के नाते हमारा फर्ज है और दूसरे के अंदर है तो उसकी भी हेल्प करनी चाहिए और उसको बताना भी चाहिए कि आप इस चीज को ठीक कर लें तो और ज्यादा अच्छा है लेकिन समस्या ये है कि हम जिसके अंदर दोष है उसको तो बताते ही नहीं है और दो व्यक्ति जो हैं उस तीसरे की चर्चा करते रहते हैं तो इससे ना तो उसका सुधार होने वाला है क्योंकि उसको तो बताया ही नहीं आपने उससे पूछा भी नहीं आपने और आपका भी उद्धार नहीं होने वाला है क्योंकि आप अपने अंत्यकरण को इतना साफ नहीं किया उतना गंदा कर लिया क्योंकि साफ करने के लिए तो घंटे भर बैठे अपने किसी उसको देखें थोड़ा कुछ शुचिता का आह्वान करें तो शुद्ध तो होता है इतना सा और दिन भर यदि ध्यान नहीं दिया तो उल्टा गंदा हो जाता है बहुत सारा तो हानि किसकी हुई अपनी हुई तो व्यक्ति को अपनी हानि नहीं करनी चाहिए क्योंकि अवसर तो सीमित ही है टाइम तो सीमित है तो ये झगड़े आदि जो है ना ये महापुरुष नहीं करते हैं महापुरुषों को दोष दिखाई नहीं देता है वो अच्छा ही देखते हैं अच्छा इसलिए देखते हैं कि अपना नुकसान ना हो इसलिए वो उनका एक लक्ष्य है ना कि भाई हमें तो महान बनना है महापुरुष बनना है हमें सामान्य व्यक्ति नहीं रहना है तो महान कोई व्यक्ति पद प्रतिष्ठा से धन से या किसी वस्त्र आदि पहनने से थोड़ी बनता है महान तो व्यक्ति अपने दोषों को मिटाने से ही बनता है तो ऐसा जिसका लक्ष्य है तो फिर वो उसको हटा देते हैं तभी तो वो महान बन जाते हैं महान बन जाते हैं तो वो दोषों को नहीं देखते हैं फिर देखो बड़ा तो बड़ा बड़प्पन तो उसमें है जो बडप्पन का आचरण करे अब अभियो तो बड़े सफेदे के पेड़ भी बहुत बड़े होते वी वृक्ष पीपल वृक्ष सफेदा मतलब नीलगिरी बहुत ऊंचा नहीं होता है क्या खजूर का पेड़ भी बड़ा है आयु में बहुत लोग इतने बड़े होते हैं लेकिन वो पूरे परिवार वालों को गाली निकालते रहते हैं तो परिवार वाले पास में आते ही नहीं है तो बड़े व्यक्ति को बडप्पन दिखाना चाहिए और बडप्पन होता है छोटों के अपराध क्षमा करना और या फिर उनको प्रीतिपूर्वक समझाना या तो आप प्रीति पूर्वक समझाओ और या तो आप उनको क्षमा करो क्षमा बड़न को चाहिए छोटन का उत्पाद कितना अच्छे से याद है छोटे वालों को वो तो छोटे वालों की तो मौज है बोले हम तो भी छोटे हैं हम त्रुटि करेंगे तो ऐसा मत बोलना देखो क्योंकि कभी कभी छोटे भी बड़े हो जाते हैं बड़ा वही है ना जिसका दिल बड़ा है जिसका विचार बड़ा है जिसका हृदय बड़ा है उम्र से बड़ा नहीं होता है व्यक्ति वही व्यक्ति बड़ा है और बोलो ये माताजी जैसे बताते हैं कि मतलब वस्त्र धारण करने से और इन सब प्रतीकों से मतलब आदमी बड़ा नहीं होता वो अंदर से होता है कि मतलब उसके अंदर वो भावना पैदा हो तो फिर मतलब इसका महत्व तो क्या रह जाता है माताजी मतलब जैसे हम कटी वस्त्र धारण करें श्वेत कषाय वस्त्र तो वो याद दिलाते हैं ना हमें अच्छा अच्छा कषाय वस्त्र श्वेत वस्त्र भोजी का वस्त्र वर्दी जो उसकी है पुलिस की वर्दी वो सब याद दिलाते हैं ना कि आपको ऐसे होना चाहिए तो वो हमारी सहायता करते हैं ना फिर प्रतीक तो हमारी सहायता के लिए हैं किसी व्यक्ति ने फौजी की वर्दी पहन रखी है तो वो कोई गलत काम नहीं कर सकता है फिर तो कहेगा भाई अब मैंने अब मैं इस वर्दी में हूं, तो अब मैं कुछ आलस से प्रमाद या कोई भी गलत काम नहीं कर सकता हूं। क्योंकि इस वर्दी के प्रति लोगों की बहुत ऊंची भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हैं तो ये प्रतीक हमारी सहायता करते हैं। वैसा बनने के लिए और कोई बन करके वैसा वस्त्र धारण करे बहुत ही अच्छी बात है वो तो मानो कोई पहले से अंदर से ही संन्यास्त हो गया और फिर संन्यास लेता है एक योग्यता के बाद बहुत ही अच्छी बात है और किसी ने अभी उतनी योग्यता तो हासिल नहीं की है लेकिन फिर भी उसको लगता है कि मैं सन्यास ले लूं और उसने सन्यास ले लिया तो भी कोई बात नहीं है वो वस्त्र उसको याद दिलाते रहेंगे तो उसका अच्छा बनाने में सहायता करेंगे तो यहां जब कोई कहता है कि भाई कोई व्यक्ति वस्त्रों से महान नहीं होता तो यहाँ वस्त्रों का निंदा नहीं है वहां पे ये कहा जाता है कि वस्त्र धारण करना मात्र पर्याप्त नहीं है कुछ और भी करना है ये कहने का अभिप्राय होता है और कोई प्रश्न किसी का चलो आगे तो सीता माता जी कह रही हैं कि आपने तो माता जी उन सब को नवीकृत कर दिया जो उपदेश थे मेरी माता जी के और कौशल्या माता जी के उन स, सब उपदेशों को आपने उसका नवीनीकरण कर दिया नवीकृतम च तत् सर्वम वाक्ये इस्ते धर्मचारिणी पति सुश्रुणा नार्यस्तपो न अन्यद्विधियते ततोनसूया संग्रष्टा शुत्वोक्तम सीतायावचह श्रस्यज्ञाय चोवाच मैथिलिम हर्षयन्त्यत नियमैर्विविधैराप्तं तपो हि महदस्ति मे तत्संशृष्टबलं सीते छन्दये त्वां शुचिस्मिते तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा विस्मिता मन्दविस्मया कृतमित्यब्रवीत्सीता तपो बलसमन्वितां सात्वेव मुक्ता धर्मज्ञा तया प्रीतराभवत् सफलं च प्रहर्षं ते हन्तसीते इदं दिव्यं वरं माल्यं वस्त्रमाभरणानि च अङ्गरागं च वैदेही माहार्हं चानुलेपनं नवीकृतं च तत्सर्वं धर्मचारिणि ते वाक्यैः हे धर्मचारिणी धर्म का आचरण करने वाली माता अंशुया, आपके इन वाक्यों से तत्सर्व नवीकृतम वो सारा उपदेश जो मेरी दोनों माताओं ने दिया था वो सब आपने उसकी याद दिला दी है उसका नवीनीकरण कर दिया आपने पति सुश्रुणात न आर्य तपो अन्यत विधीयते जो आर्य बहने हैं माताएं हैं उनके लिए पति शुश्रुना पति की शुश्रूषा से अतिरिक्त उनकी सेवा उससे अतिरिक्त अन्यत तपह न विधियते, अन्यत उसके अतिरिक्त किसी अन्य तप का विधान नहीं है जैसे मैंने एक दिन बताया था ना आपको कि वेदांत दर्शन में और उपनिषदों में भी ब्रह्मचारी के लिए अपने आचार्य के कुल में रहते हुए अपने आचार्य के प्रिय आचरण के अतिरिक्त उन्होंने जो नियम बनाए हैं उस संस्थान के उस कुल के उसके पालन के अतिरिक्त और कोई अन्य धर्म नहीं होता है और उस धर्म का पालन व्यक्ति को अवसादयन अपि अच्छा न लगने पर भी वो अवसाद दे रहा हो तो भी पालन करना चाहिए तो जैसे ब्रह्मचारी के लिए अपने गुरु की आज्ञा को ही एक धर्म बताया है ऐसे पत्नी के लिए पति की शुश्रूषा उससे भिन्न और उससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है ऐसा कोई विधान नहीं है न अन्य ये तो रामायण कह रही है मैं नहीं कह रही तो एक होती है सेवा एक होती है शुश्रूषा शुश्रूषा मतलब ठीक प्रकार से उनकी बातों को सुनना वो जैसे कह रहे हैं वैसा आचरण करना लेकिन ये किसके लिए कहा आर्य महिलाओं के लिए पहले भी ये बात कही थी बारह नंबर श्लोक में स्त्रीणाम मार्य स्वभावानाम आर्य स्वभावानाम स्त्रीणाम श्रेष्ठ स्वभाव वाली नारियों के लिए है ये उपदेश क्योंकि सारा शास्त्र किसके लिए है श्रेष्ठ लोगों के लिए आर्य लोगों के लिए जो उस उपदेश को सुन करके वैसा आचरण करना चाहते हैं उनके लिए उपदेश है दूसरों के लिए उपदेश है ही नहीं शास्त्र है ही नहीं जो करना ही नहीं चाहते उनके लिए शास्त्र क्या करेगा तो शास्त्र हमेशा है ही उन लोगों के लिए जो श्रेष्ठ आचरण करना चाहते हैं या करते हैं है। एक मंत्र उसमें भी आता है ना ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में भी पांचवा मंत्र क्या है नहीं नहीं, नहीं। मंत्र भूल गए क्या ये, ये रुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वस्थित ये नाक ना यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्म देवाय विषा और तीसरा मंत्र <laughs> प्रशिषम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु प्रशिषम यस्य देवा जिसके प्रशिक्षण को आचरण को देवता मानते हैं वहां पर जिसके अनुशासन में देव लोग रहते हैं प्रशिषम यस्य देवा इसका मतलब क्या हुआ असुर नहीं मानते हैं उसके आचरण को ईश्वर के आचरण को असुरों के लिए नहीं है वो देव ही उसके आचरण को स्वीकार करते हैं इसलिए अच्छा काम कौन कर कर सकता है अच्छा व्यक्ति ही कर सकता है जिस व्यक्ति को कोई भ्रमित ना कर सके, जिसको कोई झुका ना सके, जिसको कोई रोक ना सके, जिसको कोई खरीद ना सके वो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जो थोड़े से प्रलोभन में बिक जाए वो काय का श्रेष्ठ जो थोड़े से किसी व्यक्ति की निंदा चुगली करने से किसी के प्रति गलत धारणा बना ले वो काई का श्रेष्ठ जिस व्यक्ति को कोई डिगा ना सके कोई लाख कह वो अपना परिचय दे रहा है ना आप क्यों प्रभावित हो रहे हो उससे तो फिर आप श्रेष्ठ नहीं हो आपको श्रेष्ठ बनने के लिए अभी फिर और आचरण करना पड़ेगा तो सारे शास्त्र का आचरण श्रेष्ठ ही कर सकते हैं आर्य ही कर सकते हैं ये जो उपदेश दिया जा रहा है ये सामान्य कोई महिला है यदि श्रेष्ठ महिला नहीं है तो फिर वो इसका आचरण कर नहीं पाएगी